नमस्ते, इजी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनिटा डिसोजा। आज हम पंचगव्य घृता के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग मनोरोग, मिर्गी, बुखार, यकृत रोग जैसे पीलिया आदि रोग के इलाज में करते हैं। यह मानसिक विकारों के उपचार में नेजल ड्रॉप्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यह दवा पित्त और कफ दोष को संतुलित करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स गोमय स्वरस, गाय का दूध, दही, गोमूत्र और घी। इसका रेफरेंस चरक संहिता और अष्टांग हृदय से लिया है। इसका श्लोक गोशकृत द्रसा दध्याम्ला क्षीर मूत्र समय कृतम सिद्धम पिबेत अपस्मार कामला ज्वर नाशनम इति पंचगव्य कृतम। इस दवाई की खुराक और दवा लेने का समय निर्धारित चिकित्सक के निर्णय पर निर्भर करता है। आमतौर पर इस दवा को चौथाई से आधा चम्मच की खुराक में गर्म पानी के साथ भोजन से पहले दिन में एक या दो बार लेने की सलाह दी जाती है। यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही लेना सुरक्षित है। मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और हाई बीपी से पीड़ित रोगी इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। उच्च खुराक में यह दस्त और अजीर्ण का कारण हो सकता है। इसकी एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग की तारीख से 2 साल है। इसे कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे कोटेकल आयुर्वेदशाला, नागार्जुना आदि। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भेंट कीजिए easyayurveda.com।